सरेजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चालू करने के लिए ग्रामीण ने आज शुक्रवार को बक्सर सासाराम मार्ग को जाम कर दिया। वहीं महिला सेवा संस्थान की अगुवाई में ग्रामीण इस दौरान प्रदेश सरकार को जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। इस दौरान लोगों का आरोप है कि अस्पताल में एक भी चिकित्सक की स्थानीय नियुक्ति नहीं हुई है। जिन चिकित्सकों को प्रभार दिया गया है वे अपने मर्जी के मालिक हैं। मन करता है तो आते हैं, मन करता है तो नहीं आते हैं। ऐसे में ग्रामीण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाम के कारणों दो तरह वाहनों की कतार लग गई। सरेजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे कई महीने से अव्यवस्था हावी है। स्थानीय रूप से चिकित्सक की नियुक्ति नहीं होने पर यहाँ आने वाले मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। इसकी शिकायत लगातार प्रशासन के जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस महिला विकास मंच के द्वारा बक्सर के बैनर तले आज ग्रामीण ने बक्सर सासाराम को मार्ग को जाम कर दिया था। इसी दौरान सरकार को प्रशासन की लानत मानत की गई। देर बाद बक्सर के एसडीएम के उपाध्याय वहां पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर वहां से जाम को हटाए। आप भी देखिए हमारे सीएनबी के माध्यम से। आपका परिचय? इस नाते ग्रामीण के दुख को समझने का मुझे पूरा अधिकार है, इसलिए मैं अधिकार पूर्वक कहता हूँ कि हॉस्पिटल चालू होना चाहिए। अगर सरकारी हॉस्पिटल सुचारू रूप से चालू नहीं है तो उसको चालू कीजिए। आप कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक हॉस्पिटल चालू नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे हम लोग। आपका परिचय? आपका परिचय? चंदन कुमार जायसवाल, सरेंजा। सरेंजा हॉस्पिटल के चालू करने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक प्रभारी नहीं आएंगे यहाँ पर, समझौता नहीं होगा तब तक जाम नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका परिचय? पंकज कुमार है। धरना पर यही खातिर बैठल बन जाए कि ये जी नर्स आवे के चाहिए, सरकारी डॉक्टर आवे के चाहिए, ये जी कुछ हर एक चीज के कमी बा। ये जी गरीब आदमी मरत जातन बक्सर नहीं जा पाओ, एकरा के सरकार आए के कुछ अपन देखो, डॉक्टर देव हमनी के यही कहना बा, हमारी पूरी समाज के यही कहना बा। के भागीरथी भागीरथी राम सुविधा नंबर एक। सुनिए, सब चीज़ आप ही नहीं जानती हैं, कुछ हम लोग भी जानते हैं, समझने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि जो डिलीवरी कभी भी किसी को होगा उसमें 3 घंटे 4 घंटे पहले लेबर कैंप शुरू होता है, या नहीं शुरू होता है तो वो हॉस्पिटल। तो इसलिए डिलीवरी कोई आकस्मिक घटना नहीं, उसके लिए आदमी PHC में जहाँ अच्छी व्यवस्था है सदर हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट हो सकता है। रही बात यहाँ की जो डॉक्टर की है, जो 24 आवर रहेंगे, उसके लिए व्यवस्था होगी, वो हम लोग कल परसों से कराएंगे। दवाई भी सामान्य रूप से जो लगती है वो रहनी चाहिए, वो होगी। ठीक है, व्यवस्था तो यहाँ पहले से थी, तो इसको हटा क्यों? अब वो मैं नहीं जानता, वो सब थोड़ी हटा दिया गया। आप लोग बात कर रही थी, मैं सुन रहा था, पूरे ध्यान से बोल तो लेना। किस लिए हटा दिया गया? नहीं, किस लिए हटा दिया गया? वो वो अलग ये बताइए, वो नया व्यवस्था यहाँ कब तक है? हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, वो उसी के लिए कह रहे हैं कि वो एक सप्ताह में उसको हम लोग एस्टेब्लिश करा देंगे, लेकिन डॉक्टर तो कल से ही आना चाहिए। ठीक, वो मुर्दाबाद।
जिला मुर्दाबाद, अपने गांव के बंद पड़े अस्पताल को स्टार्ट कराने के लिए धरने पर। आप कब तक बैठे रहेंगे? जब तक बिहार सरकार के कोई बड़ी अधिकारी या कोई बड़ी माननीय कलेक्टर बक्सर आएंगे नहीं, तब तक हम लोग इस धरने को जारी। आपका परिचय? मैं इसी गांव का नागरिक हूँ।